गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह, SIC के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th के स्टूडेंट्स को गणित विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता रेने डेकार्ते को जाता है। यह एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इन्होंने एक तल में एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज रेखा इन्होंने खींचा और एक जो है ऊर्ध्वाधर रेखा इन्होंने खींचा, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा को इन्होंने यक्ष अक्ष कहा और ऊर्ध्वाधर रेखा को इन्होंने वाई अक्ष नाम दिया। ये वाई डैश अक्ष और यह यक्ष डैश अक्ष। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में रेने डेकार्ते ने एक तल में एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखाओं को उन्होंने खींचा और क्षैतिज रेखा को उन्होंने यक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को उन्होंने वाई अक्ष नाम दिया। और यह क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको निर्देशा वो क्या कहते हैं, मूल बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु उन्होंने नाम दिया। और तल को कार्तिक तल और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष उन्होंने कहा। अब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा की वाई अक्ष से दूरी को क्षैतिज रेखा की वाई चाहे लेफ्ट में या राइट में, क्षैतिज रेखा की या मूल बिंदु से ही दूरी को मापा जाता है और यहां से इधर की दूरी और यहां से इधर की दूरी वाई अक्ष से, यानी एक्स अक्ष की वाई अक्ष से दूरी जो होती है वह भुज कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, भुज। और एक्स अक्ष से ऊपर या नीचे दूरी को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। भुज और कोटि मिलकर क्या करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, निर्देशांक का। जैसे सपोज कर लीजिए अगर y अक्ष से x अक्ष की दूरी x है तो भुज x हो गया और x अक्ष से y की दूरी जो है y है वह कोट हो गया, तो यह x y उस बिंदु का क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। पुनः एक बार बताते हैं, रेने डेकार्ते ने एक तल में एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं को एक तल में खींचा। जो क्षैतिज रेखा थी उसको उन्होंने यक्ष अक्ष नाम दिया और जो ऊर्ध्वाधर रेखा थी उसका नाम उन्होंने वाई अक्ष दिया। और क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किए उसको प्रतिच्छेद बिंदु या मूल बिंदु उन्होंने नाम दिया। हाँ, y अक्ष से x अक्ष की दूरी इधर पॉजिटिव दूरी होती है तो ये पॉजिटिव दूरी हो गया पॉजिटिव, और इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। और x अक्ष से ऊपर की दूरी y अक्ष की दूरी जो होती है ये पॉजिटिव होती है और इधर की क्या होती है, ऋणात्मक। अब जो है ये जो रेने डेकार्ते ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा उन्होंने जो खींचा तो इस तल को चार भागों में उन्होंने बांट दिया। यह प्रथम तल प्रत्येक तल जो प्रत्येक भाग जो हुआ वह चतुर्थांश के नाम से जाना चतुर्थांश कहलाया, चतुर्थांश क्वाड्रेंट। इसको उन्होंने नाम दिया प्रथम चतुर्थांश, इसको उन्होंने नाम दिया द्वितीय चतुर्थांश और इसको नाम दिया उन्होंने तृतीय और इसको नाम दिया उन्होंने चतुर्थ चतुर्थांश नाम दिया चतुर्थ चतुर्थांश। सबसे पहले किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद से कोटि लिखते हैं। तो
यक्ष अक्ष की वाई अक्ष से यक्ष अक्ष की जो दूरी होती है वही भुज होती है, और यक्ष अक्ष से वाई की जो दूरी होती है वही कोटि होती है। तो सबसे पहले जैसे अगर हम प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोट की स्थिति को पता करना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे, इसमें सबसे पहले भुज देखेंगे तो भुज इस पर क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इस पे क्या होता है कोट, कोट क्या होता है पॉजिटिव। तो यह हो गया इस बिंदु, कोई बिंदु है जो दोनों पॉजिटिव होते हैं किसे प्रथम चतुर्थांश में। अगर इसमें पता करना है तो सबसे पहले भुज लिखते हैं माइनस है और कोट क्या है प्लस है, तो द्वितीय चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उसकी भुज माइनस और कोट प्लस होता है। फिर जो है तृतीय चतुर्थांश में आते हैं तो सबसे पहले भुज लिखते हैं, भुज है माइनस और कोट भी क्या है माइनस, यानी किसी बिंदु कोई बिंदु है जिसकी भुज जो है माइनस और कोट भी माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश में, और चौथे में प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो ये प्लस और माइनस हो गया चतुर्थ चतुर्थांश में, इसी बिंदु का भुज प्लस और कोट क्या होता है माइनस होता है। इस तरह से किसी बिंदु का हम स्थिति पता कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक चार तीन बिंदु दिया हुआ है, चार और तीन, ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि चार और तीन किस चतुर्थांश में पड़ेगा, प्रथम में पड़ेगा, द्वितीय में पड़ेगा, तृतीय में, चतुर्थ में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे चार पॉजिटिव है और तीन भी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव किसमें होते हैं प्रथम चतुर्थांश में, और चार तीन किसमें पड़ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। लेकिन अगर इसी के बाद इसका जो है अगर आपको ग्राफ बनाना है तो यक्ष अक्ष और वाई अक्ष खींच देंगे, और इसका यक्ष अक्ष नाम देंगे, इसका वाई अक्ष नाम देंगे, यक्ष बराबर भुज कितना है चार, तो यह हो गया एक दो तीन चार यहाँ हो गया, और वाई अक्ष कितना है तीन, तो तीन प्लस ऊपर होता है तो एक दो तीन यहाँ से इसके सामने आएंगे और यहाँ से इसके सामने, जहां ये दोनों पड़ेगा यहाँ। तो इस बिंदु का एक बिंदु सपोज कर ये है, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो गया फोर और थ्री, निर्देशांक हो गया फोर थ्री, और ये देखिए फोर थ्री प्रथम चतुर्थांश में ही पड़ा, तो प्रथम चतुर्थांश में। तो किसी भी बिंदु की स्थिति पता करना है, जैसे मान लीजिए यही है माइनस चार और माइनस तीन है, तो एक्स बराबर ये चार हो गया और तीन माइनस तीन है तो माइनस तीन वाई का नीचे होता है तो एक दो तीन, तो यहां से इसके सामने आएंगे तो यह पड़ जाएगा चार और माइनस तीन, चार और माइनस तीन, यानी यह एक बिंदु है बी जिसका कोऑर्डिनेट हो गया फोर थ्री, भुज पॉजिटिव और कोट निगेटिव होता है। देखिए भुज पॉजिटिव और कोट निगेटिव होता है। किसी भी बिंदु की स्थिति पता करने के लिए हम ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच करके और उसके बाद से हम उस बिंदु को उसमें ट्रेस कर लेंगे, उस बिंदु की स्थिति पता चल जाएगी। तो वही यही जो है एक तल में किसी बिंदु का स्थिति पता करने के लिए, एक तल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए रेने दकार्ते ने एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच करके उस तल में उस बिंदु की स्थिति का पता लगाया, और क्षैतिज रेखा को उन्होंने यक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को उन्होंने वाई अक्ष कहा, और यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किए उसको उन्होंने मूल बिंदु नाम दिया, और मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो, उन्होंने बताया कि मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो होता है। यदि एक बिंदु का भुज एक्स और कोट वाई है तो उस बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई होगा, यानी भुज एक्स और कोट वाई। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते समय सबसे पहले भुज उसके बाद कोट लिखा जाता है, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष तल को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, या प्रथम चतुर्थांश चार पार्ट, जो पहला पार्ट हुआ प्रथम चतुर्थांश, या द्वितीय चतुर्थांश, या तृतीय चतुर्थांश, और या चतुर्थ चतुर्थांश। यह जो होती है दूरी जो होती है यहाँ से वाई अक्ष से, या इधर एक्स की दूरी पॉजिटिव और यहाँ से इधर की दूरी निगेटिव होती है, और यक्ष अक्ष से वाई अक्ष की दूरी इस पर निगेटिव और इस पर क्या होती है पॉजिटिव होती है। अगर ये समझ में आ रहा है तो किसी भी बिंदु को आप पता लगा सकते हैं वह बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा। निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता रेने दकार्ते जो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, इन्होंने एक तल में एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए
दो लंबी की रेखाओं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को उन्होंने खींचा, और क्षैतिज रेखा को उन्होंने एक्स अक्ष नाम दिया और ऊर्ध्वाधर रेखा को उन्होंने वाई अक्ष नाम दिया, और एक दूसरे को ये जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम उन्होंने क्या दिया, मूल बिंदु। जैसे यह है आपका एक्स अक्ष और यह है वाई अक्ष, यह मूल बिंदु है। अब हम कुछ उदाहरणों को देते हैं और उन उदाहरणों से बिंदु की स्थिति को कैसे पता करते हैं। जैसे मान लीजिए -33, 43, 24 या 2-4, -3 और 4 ऐसे दिया हुआ है। चारों भिन्न भिन्न प्रकार के हैं बिंदु हैं, और इन बिंदुओं की स्थिति इसमें पता करना है कि कौन बिंदु कहाँ पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए पहला पॉइंट दिया हुआ है, यह आपका हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। x अक्ष का -3 और -3 आपको बताया गया, पहला जो ये होता है वह भुज होता है, दूसरा क्या होता है, कोट होता है। -3 आप जानते हैं x अक्ष पर इधर की दूरी माइनस होती है, तो यहां से आ जाइए 1, 2, 3, ये -3 हो गया, और -3 वाई पर, वाई की दूरी नीचे जो होती है माइनस होती है, तो 1, 2, 3। तो यहां से इसके सामने आएंगे कि जहां पड़ेगा, यहां ये आप ऐसे आएंगे तो ये बिंदु यहां से यही पड़ेगा। यह मान लीजिए सपोज कर लिए बिंदु ए है, तो यह बिंदु ए का निर्देशांक हो गया आपका -3, -3, या किस चतुर्थांश से पड़ेगा, तृतीय चतुर्थांश में। अगर इसमें पूछा जाए x x बराबर कितना है, -3, और y बराबर कितना है, तो y बराबर है -3। अब जो है 4-3 आ जाइए, 4-3 को इसमें ट्रेस कीजिए कहाँ पड़ेगा, तो 4 का इसपे x का जो पहले सबसे पहले भुज, तो 4, 1, 2, 3, 4, और कोट कितना है, 3, 1, 2, 3। यहां से इसमें सिद्ध में आ जाएंगे, यह बिंदु यहां हो जाएगा 4-3। यह मान लीजिए सब कुछ कर लिए बिंदु बी है, इस बिंदु की स्थिति पता चल गई कि चतुर्थांश में पड़ेगा, द्वितीय चतुर्थांश में। फिर 2-4 दिया है, तो x बराबर 2 यहां हो गया, या सब कुछ कर लिए x बराबर 2, तो x बराबर 2 ये हो गया 1, 2, और y बराबर -4, तो y 4 है, 3 है, -4 यहां से, यहां से इसके सीध में आएंगे, यह बिंदु सी हो गया। सब कुछ कर लीजिए इस बिंदु की स्थिति हो गई, या 2-4 ये हो गया आपका। फिर इसी तरह से -3 और 4, -3 एक्स और -3 ये हो गया, और 4 ऊपर +3 और 1 4 यहां से यहां जाएंगे, यह बिंदु हो जाएगा डी। इस बिंदु डी का -3 और 4, इस बिंदु की स्थिति पता चल गई, ये सपोज कर लिए डी। तो इस तरह से हम जो है किसी भी बिंदु की स्थिति को पता कर सकते हैं कि वह बिंदु कहाँ प्रथम में पड़ेगा, या द्वितीय में पड़ेगा, तृतीय में पड़ेगा, चतुर्थ में पड़ेगा। अब यही जो है ये मान लीजिए लिखा हुआ है, तो भुज और कोट पता करना है। जैसे सपोज बिंदु डी है, बिंदु डी का आपको नहीं मालूम है कि भुज क्या है कोट क्या है, तो ऐसे बिंदु डी का भुज पता करना है, तो x बराबर चलेंगे सबसे पहले भुज लिखते हैं, तो x बराबर आपका -3 लिख दिया आपने, x बराबर -3 यानी भुज -3, और कोट कोट दूसरा होता है, तो 1, 2, 3, 4, 4, 4 हो गया, तो 3 और 4 हो गया भुज और कोट। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके एक्सरसाइज 3.2, 3.3 में दिया गया है, जो इस एग्जाम्पल के आधार पर दोनों एक्सरसाइजों को आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद।